देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर जो है वो एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर होता है, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो उस आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उसके अंदर कोई लॉस नहीं होता है, जैसे उसके अंदर कोई कॉपर लॉस नहीं होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबल होता है, उसके आयरन लॉस नहीं होता है उसके कोर में, और कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होता है। देखिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो आइडियल ट्रांसफार्मर के कुछ इस तरीके से होते हैं कि उसका जो है ज़ीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस उसका ज़ीरो होता है। इसका मतलब है कि उसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। इसका मतलब वो प्योरली इंडक्टिव इन नेचर होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट परमीबिलिटी होती है उसकी कोर की। इसका मतलब होगा कि उसके अंदर जो भी मतलब उसके अंदर जो भी मैग्नेटाइजेशन करंट के थ्रू फ्लक्स जनरेट होगा वो 100% काम करेगा, मतलब उसके अंदर कोई लीकेज नहीं होगा। उसकी परमिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी जिस कोर की, उसका उतना ही अच्छा एफिशिएंट ट्रांसफार्मर बनेगा। मतलब उसके अंदर जो MMF रिक्वायर्ड होता है फ्लक्स जनरेट करने के लिए वो बहुत ही कम काम में होगा। जो उसका मैग्नेटाइजेशन करंट यूज़ होता है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए वो भी बहुत ही कम होगा। इसका मतलब कि एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है नो लीकेज फ्लक्स की। उसके अंदर कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होता है। इसका मतलब है कि जितना फ्लक्स आप प्राइमरी वाइंडिंग से जनरेट करेंगे वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो जाएगा, कोई भी फ्लक्स इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब कोई लीकेज नहीं होगा उसके कोर से या उसके वाइंडिंग से। चौथी बात जो होती है वो होती है 100% एफिशिएंसी। आइडियल ट्रांसफार्मर की हम मानते हैं कि 100% एफिशिएंसी होती है, जैसा कि उसके अंदर हमने पहले ही कहा है कि कोई लॉस नहीं होते हैं, जैसे हाइस्टेरिस लॉस हो गया, कोर लॉस हो गए, कॉपर लॉस हो गए, एडी करंट लॉस हो गया, इस तरीके का कोई भी लॉस नहीं होता है। उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, इनफाइनाइट परमीबिलिटी होती है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं इस सर्किट की बात करूँ तो इस सर्किट को एक आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह मैंने लिया है। इसके अंदर V1 वोल्टेज दिया है जो कि I1 करंट को फ्लो करवा रहा है, और यहाँ पर इस V1 वोल्टेज और इस I1 करंट की वजह से एक EMF इस प्राइमरी वाइंडिंग में जनरेट होगा जो कि E1 है, और इस E1 की वजह से एक फ्लक्स जनरेट होगा, नहीं फ्लक्स इस I1 की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा ΦM, उसकी वजह से एक EMF जनरेट होगा वो E1 होगा, और फिर उस इस फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक E2 फ्लक्स जनरेट होगा, वो E2 EMF जनरेट होगा, और वहाँ से हमको यहाँ पर जो लोड लगा है इसके अंदर जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। अब देखिए, मैं आपको फेजर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो V1 है उसकी वजह से I1 जनरेट हुआ है, और I1 की वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ है। इसका मतलब है कि इंडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो V1 और I1 है, तो I1 जो है वो लैग करता है V1 को 90 डिग्री से। अब I1 और जो ΦM है ये दोनों आपस में फेज में होंगे, ठीक बात है। तो जैसे अगर हम फेजर डायग्राम की इधर बात कर लें या फिर इधर बात कर लें, ये हमारा फेजर डायग्राम होगा, ये हमारा V1 है जो कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स से मिला है। अब जो I1 है वो लैग करेगा I1, और ये जो है ये मैग्नेटाइजिंग करंट होगा जो कि उस कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए काम में आ रहा है, और यहाँ पर जो होगा वो ΦM होगा। ये ΦM इसलिए होगा कि ये ΦM इस I1 की वजह से जनरेट हुआ है, और ये दोनों आपस में फेज में होंगे। अब देखिए, लेंज लो तो आप सब जानते ही हैं, लेंज लो का मैंने बताया था कि ये हमेशा अपने जनरेशन का अपोजिशन करता है, अपने जनरेशन को अपोज करता है, कि वो किस उसके कॉज को अपोज करता है। तो यहाँ पर V1 की वजह से ही E1 जनरेट हुआ है, E1 जो है V1 की वजह से जनरेट हुआ है, लेकिन जो E1 है वो आइडियल ट्रांसफार्मर में उसकी जो वैल्यू है वो V1 के बराबर ही होती है, उसके अंदर कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन अब लेंज लॉ की वजह से जो V1 है V1 का अपोज करेगा, इस वजह से वो अपोजिट साइड शो किया जाता है, यहाँ पर E1 शो करा जाता है। अब देखिए, इस फ्लक्स की वजह से ही E2 जनरेट हुआ है,
और जो E1 और E2 है वो दोनों आपस में फेज में होंगे, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। E1 और E2 जो है वो आपस में फेज में होंगे और इसी वजह से V2 जनरेट हुआ है, तो V2 भी इधर ही होगा। ठीक बात है, और इतनी ही बात यहाँ पर समझाने जैसी है कि और जो V2 है उसका मैग्नीट्यूड भी E2 के बराबर ही होगा और V1 के अपोजिट होगा। अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की अगर मैं बात कर लूँ तो वो होता है T1 अपॉन T2, E1 अपॉन E2 या फिर V1 अपॉन V2, और हम कह सकते हैं उसको I2 अपॉन I1। जैसे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में हमको पता है कि कोई पावर लॉस नहीं होता है, जितनी पावर आपने दी है उतनी ही पावर आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो V1 I1 है उतना ही V2 I2 मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। ये मेरा आइडियल ट्रांसफार्मर का पैरामीटर होता है कि जितना आपने पावर ट्रांसफ़र करी है उतनी ही पावर आपका आउटपुट में मिल जाएगी बिना किसी लॉस के। और जो रेटिंग है वो KVA में होती है, ये KVA 1 हो जाएगा और ये KVA 2 हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का लेक्चर पूरा होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड एंड ट्रांसफार्मर ऑन लोड। थैंक यू।